बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जो कल हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी के हवाले से। और आज हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इवेंट्स, आज जब दो या दो से ज्यादा इवेंट्स आपस में मिलते हैं तो उससे फिर नया इवेंट जनरेट होता है। जब दो इवेंट्स आपस में ज्वाइंट हो, चाहे वो इंटरसेक्शन की सूरत में ज्वाइन हो या यूनियन की सूरत में या नॉट कम्प्लीमेंट की सूरत में, उनसे कोई नया इवेंट जनरेट हो सकता है। तो आज का हमारा जो इंटरेक्शन है इसी हवाले से रहने वाला है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इवेंट रिलेशंस। द ब्यूटी ऑफ यूजिंग इवेंट्स रेदर देन द सिंपल इवेंट इज दैट वी कैन कंबाइन इवेंट टू मेक अदर इवेंट्स यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशंस एंड और नॉट। तो ये तीन तरह के इवेंट्स आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिन्हें आप ज्वाइन करते हैं। जब हम सिंपल इवेंट्स को इन ऑपरेटर्स के जरिए ज्वाइन करते हैं तब आपके पास नया इवेंट जनरेट होता है, और जो नया इवेंट जनरेट होता है दैट इज अगेन फ्रूटफुल, तब आपको उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ती हैं। तो फर्दर देखते हैं, द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज द इवेंट दैट आइदर ए आर बी आर बोथ अकर व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। तो आपके पास ए और बी, अब यहाँ पर यूनियन में कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है? और इंटरसेक्शन में इस्तेमाल होता है एंड। तो जब ए और बी बोला जाए तो तब आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि वो नंबर या वो यूनिट या वो सैंपल पॉइंट ए में मौजूद हो, बी में मौजूद हो या दोनों में मौजूद हो, तो वो मिलकर बनाता है ए यूनियन बी। और यहाँ पर तीन ऑपरेटर्स हैं सर, मैं ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूं। एंड जब आपको बोला जाए ए एंड बी, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी, इनके दोनों में इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। और जब आपसे पूछा जाए आर ए आर बी, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी, यानी कि दोनों में जो भी कंबाइन आ रहा है या दोनों में से एक में भी है वो कंबाइन ग्रुप में जुड़ जाएगा। और नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर इज यूज फॉर कंप्लीमेंट, जैसे ए है तो ए के कंप्लीमेंट वो यूनिट्स होंगे जो ए में मौजूद नहीं है बट हमारी सैंपल स्पेस में मौजूद है। जैसे अब हमारे पास यहाँ पर सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में दो इवेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इवेंट ए एंड इवेंट बी। तो इवेंट ए के अपने यूनिट्स हैं, इवेंट बी के अपने यूनिट्स हैं, और ये वाला जो दरमियान वाला पॉइंट है ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मींस ये प्रोपोर्शन या ये एरिया दोनों इवेंट्स में कॉमन है। तो ये जब आपस में इनका यूनियन लिया जाए तो ये पूरा होल एरिया कवर अप करेंगे, तो ये मिलके बनाते हैं ए यूनियन बी। और जब इनके प्रोबेबिलिटीज निकालनी हो तो इस हवाले से फर्दर हम डिस्कशन करेंगे। और ये तो बात थी आपके पास यूनियन की, यानी कि आर ऑपरेटर, जब लॉजिकल आर ऑपरेटर इस्तेमाल हो तब। और जब आपके पास एंड ऑपरेटर इस्तेमाल हो, ए एंड बी, इट्स मीन इंटरसेक्शन वाले पॉइंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। इंटरसेक्शन की जानेब आपका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरसेक्शन से आप चीजें डील करें। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट ए एंड बी इज द इवेंट दैट बोथ ए एंड बी अकर व्हेन द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, वी राइट ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि आप अगर जानना चाह रहे हैं कि ए इवेंट है और बी इवेंट है, आप इनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं कि जब दोनों इवेंट एट द सेम टाइम अकर हो, दो इवेंट्स का एट द सेम टाइम अकर होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ये पता चलता है हमें ए इंटरसेक्शन बी में। और ए यूनियन बी में पता चलता है कि दोनों में से एक हो जाए या दोनों हो जाए। सही, यहाँ पर चॉइसेस है कि ए हो या बी हो या दोनों हो जाए, इनके ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए हो जाए, बी हो जाए या दोनों हो जाए। जैसे अब हमारे पास स्टूडेंट है, लेट्स सपोज दो स्टूडेंट हैं, ए और बी दो स्टूडेंट है, हम कहते हैं कि ए स्टूडेंट पास हो या बी हो या दोनों हो जाए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमें पता चलता है ए यूनियन बी से। और ए इंटरसेक्शन बी से क्या पता चलता है कि दोनों पास हो या दोनों फेल हो जाए। सही, यानी कि दोनों सक्सेस की तरफ जाते हैं या फेलियर की तरफ जाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है सक्सेस की तरफ है, तो दोनों एट द सेम फंक्शन परफॉर्म करें।
और यूनियन में है कि दोनों डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म भी करते हैं, तब भी आपके पास आप ए पास हो बी फेल हो जाए, बी पास हो ए फेल हो जाए, दोनों पास हो जाए, तो आपके पास ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी है। और इंटरसेक्शन में कि दोनों पास हो उसकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी आपने बतानी होती है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉमन पॉइंट पे होता है कि वो कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी मौजूद है। तो अगर दो इवेंट्स, जैसे हमारे पिछली स्लाइड्स में लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कि अगर दो इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इट्स मींस कि उनका इंटरसेक्शन जीरो है। अगर उनका इंटरसेक्शन जीरो है मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी भी फिर जीरो होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन दैट इज इक्वल टू जीरो। और अगर इवेंट्स नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तब आपके पास होता है ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट करता है, मैंने पहले भी बताया था। तो तब आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये कभी भी जीरो नहीं होती। सही, तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये याद रखनी है आपको। मल्टीपल चॉइसेस में ये हेल्पफुल होंगी और इससे आप मजीद चीजें, वो छोटे छोटे से क्वेश्चन, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस के वो जनरेट हो सकते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई सेट, किस सूरत हाल में फाई सेट होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, तो आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये फाई सेट होता है, फाई सेट के बराबर है। नॉट म्यूचुअली में ये कभी भी फाई सेट के बराबर नहीं आता, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास जो थर्ड ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशनल ऑपरेटर था वो था नॉट का। नॉट मीन्स वो जो एलिमेंट ए में मौजूद नहीं है बट एक्चुअली वो सैंपल स्पेस में मौजूद है। अब नॉट ऑपरेटर यहाँ पर दिखाया गया है, नॉट ऑपरेटर में ये है कि ये वो एलिमेंट्स हैं, वो प्रोपोर्शन है जो ए में मौजूद है, और ये वो एरिया है जो ए में मौजूद नहीं है। कंप्लीमेंट ऑफ ए इज डोनेटेड बाय नॉट ऑपरेटर। सही, वो ए में ना हो बट सैंपल स्पेस में वो मौजूद है। सही, तो इसे हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। तो अगर हम टोटल, हमें पता है कि टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वन है, तो ए कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकाल सकते हैं, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अगर हम ये वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं, ग्रीन के अलावा रिमेनिंग एरिया की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं, तो हमारे लिए कि हमें टोटल एरिया पता है कि टोटल एरिया वन के बराबर है, वन में से ये वाला एरिया माइनस कर दे। सही, टोटल प्रोबेबिलिटी वन के बराबर है, वन में से इस वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट मिल जाती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मजीद पता चल जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सिलेक्ट अ स्टूडेंट फ्रॉम अ क्लासरूम एंड रिकॉर्ड हिज और हर हेयर कलर एंड जेंडर। अब आपके पास ए स्टूडेंट है, दो तरह के जेंडर्स पाए जा रहे हैं क्लासरूम में, मेल हैं फीमेल हैं, और हेयर कलर वाइज भी दो कैटेगरीज हैं, ब्राउन हेयर एंड दोज विच हैव नो ब्राउन हेयर, तो जिनके बाल ब्राउन है और जिनके बाल ब्राउन नहीं है। तो ए इवेंट ऐसा है हमारे पास जिनके बाल ब्राउन है, बी इवेंट इज द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट एंड सी इज द स्टूडेंट इज मेल। तो अब बी और सी आपस में क्या है, दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो बंदा मेल होगा या बंदा फीमेल होगा। तो ये नहीं है कि बंदा मेल भी हो एट द सेम टाइम वो फीमेल भी हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो विद इन द क्लासरूम, तो दी सो बी एंड सी इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, सी किसके बराबर, बी किसके बराबर है, कंप्लीमेंट ऑफ सी के बराबर है, यानी ऐसे एलिमेंट जो सी में मौजूद नहीं है वो किधर है, बी में है, यानी जो बंदा मेल है, जो वो स्टूडेंट मेल है वो मतलब किधर है, बी में मौजूद है, यानी वो फीमेल है। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, बी किसके बराबर हुआ, कंप्लीमेंट ऑफ सी के बराबर हुआ, बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ सी। अच्छा, नेक्स्ट, हाँ, आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग के लिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्यों ना कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसलिए कि इनमें इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर तो क्लास में फीमेल मौजूद होता फिर तो कॉमन पॉइंट था। अब उसने कहा कि दो जेंडर्स ही मौजूद हैं, मेल और फीमेल, तो दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंटरसेक्शन किसके बराबर है, फाई सेट के बराबर है।
और अगर बी और सी का यूनियन ले लिया जाए, बी और सी का यूनियन ले लिया जाए तो ये किस क्या बनाएंगे, हमारी ओवरऑल सैंपल स्पेस बना देंगी, मतलब क्या हमारा ये पूरा बना देंगे क्लासरूम साइज, कितने स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं वो पूरा ज्वाइन हो जाएंगे, जिनके पहले हमने पार्टीशन किया, मेल अलग कर दिए, फीमेल अलग कर दिए, अगर हम दोबारा उनको जोड़ दें तो वो पूरा क्लासरूम बन जाएगा, पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा। और ए कम्प्लीमेंट क्या है आपके पास, ए कम्प्लीमेंट आर दोज स्टूडेंट विच हैव नॉट ब्राउन हेयर, जिनके ब्राउन बाल नहीं है। तो ये मजीद आपको चीजें समझ, क्वेश्चन है आगे उससे मजीद आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडिटिव रूल्स फॉर यूनियन। अगर आपको यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, दो इवेंट्स का यूनियन हो, यूनियन की ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, ए और बी ज्वाइंटली आपने उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, उसका फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स पहले आपको ये सारे हिस्से की प्रोबेबिलिटी प्लस इस वाले हिस्से की प्रोबेबिलिटी, सही, बी वाले प्रपोर्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस माइनस ये वाला पार्ट, क्यों ना कि ये वाला पार्ट दो दफा हमने गिन लिया है, सही है, एक दफा ए की सूरत में काउंट कर लिया और दूसरी दफा बी की सूरत में काउंट कर लिया, तो हमने माइनस कर देना है एक दफा यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी से, ये वाले जो ज्वाइंट है ये दो दफा काउंट हो गया, ए वाले में भी चला गया प्रोबेबिलिटी में और बी वाली प्रोबेबिलिटी में भी चला गया, तो इसलिए हमने जो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है वो फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास फिर ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है, इससे आपको मजीद इसका एलेबोरेट समझ आ जाएगी। अच्छा, अभी वो ब्राउन हेयर्स वाली हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे थे, ब्राउन हेयर्स वाली एग्जाम्पल में आपको पता है क्वेश्चन जनरेट किया गया है कि क्वेश्चन में आपके पास टोटल 120 स्टूडेंट हैं, 120 स्टूडेंट में से आपके पास 20 मेल हैं जिनके ब्राउन हेयर हैं, 40 मेल हैं जिनके ब्राउन हेयर नहीं है, 30 फीमेल हैं जिनके ब्राउन हेयर हैं और 30 फीमेल हैं जिनके ब्राउन हेयर्स नहीं हैं। अब यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड कर दूं आपके लिए ताकि आपको आसानी हो जाए, टी ओ टी टोटल, जस्ट अ मिनट, ताकि आपको चीज बेहतर अंदाज में समझ आ जाए, चले बस दैट्स इनफ। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर हम रो वाइज सम लें तो ब्राउन हेयर वाले 50 बच्चे हैं, कॉलम वाइज सम लें तो ब्राउन हेयर वाले 50 बच्चे हैं, नॉट ब्राउन वाले 70 हैं, और टोटल मेल कितने हैं, 60 हैं, फीमेल भी 60 हैं, सही। तो अब आपने बताना है कि वो ब्राउन हेयर्स हों उसके और वो फीमेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। इवेंट ए ऐसा है कि वो ब्राउन हेयर हो और इवेंट बी है कि वो फीमेल हो। अब आपको सबसे पहले क्या निकालनी है, इवेंट ए हल करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेवरेबल फॉर ए इवेंट, फेवरेबल फॉर ए इवेंट यानी जिनके बाल ब्राउन है, टोटल में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बाल ब्राउन है, वो हैं 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स फॉर फेवरेबल टू इवेंट ए, 50 बटा टोटल टोटल 120, सही। अब बी इवेंट है हमारे पास, वो फीमेल बच्चा होना चाहिए, स्टूडेंट फीमेल होना चाहिए, तो फीमेल हमारे पास इस तरफ को सम करें तो फीमेल कितनी बनती है, 60, तो 60 बटा टोटल, सही, और माइनस, क्यों ना कि इनमें इंटरसेक्शन भी मौजूद है, इंटरसेक्शन यहाँ पर हमें मिल रहा है, मतलब कि वो फीमेल भी हैं और उनके ब्राउन हेयर भी हैं, वो इंटरसेक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ए ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि ए कंडीशन भी यहाँ पर पूरी हो रही है और बी कंडीशन भी हो रही है पूरी, यानी कि वो फीमेल भी है उसके ब्राउन हेयर भी हैं, माइनस फिर कर देंगे इंटरसेक्शन को 30/20, तो इसे हम हल करते हैं, दैट आंसर विल बी इक्वल टू 2/3, सही। तो इस तरह भी एलसीएम लेके भी आप मजीद हल कर सकते हैं, दैट इज इजी टू डन इट, सही। और अब हमारे पास एग्जाम्पल है टू डाइसेस वाली, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, टू डाइसेस वाली एग्जाम्पल है। टू डाइसेस वाली एग्जाम्पल में आपके पास है, ए इवेंट ऐसा है कि रेड डाई शो 1, बी इवेंट ऐसा है रेड डाई ग्रीन डाई शो 1,
तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि रेड डाई पे कितनों पे वन आ रहा है, 6 पे। तो ये 6 पे वन आ रहा है, तो 6/36 इवन की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब बी इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पर ग्रीन डाई शो वन, ग्रीन डाई शो वन यहाँ पर आपके पास आ रहा है, तो ये भी 6/36 हुआ। अब आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर। ये आपके क्या पास है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि रेड डाई शो वन एंड ग्रीन डाई शो वन, वो वहां पर हमारे पास ऐसा एक ही सैंपल पॉइंट है जहां पर रेड डाई भी वन शो कर रहा है और ग्रीन डाई भी वन शो कर रहा है। तो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, और इसका आंसर है -1/36। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, दैट आंसर विल बी इक्वल टू 11/36। अच्छा, स्पेशल केसेस के बारे में अब हम थोड़ा सा चलते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये वो सूरत हाल थी जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वो इवेंट यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नॉट म्यूचुअली, यानी उनका इंटरसेक्शन फाइव सेट के बराबर नहीं आता। अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो ये वाला जो माइनस वाला प्रोपोर्शन है ये फिर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उनमें कॉमन पॉइंट नहीं है। फिर ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये वाला जब इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तब आपके पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है दैट इज इक्वल टू 0, क्यों ना कि इंटरसेक्शन नहीं होता, इंटरसेक्शन नहीं है तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं है। तो तब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो अब आपके पास क्वेश्चन जनरेट यहाँ पर हुआ है कि ए इवेंट है कि मेल विद ब्राउन हेयर, ऐसा मेल हो जिसके ब्राउन बाल हैं, और फीमेल विद ब्राउन हेयर। तो हमने इसकी अगर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी पड़ेगी, ऐसा मेल जिसके ब्राउन हेयर हो वो कितने हैं, 20। तो 20/120, डिवीजन में हमेशा टोटल आना है। तो ऐसे मेल जिनके ब्राउन हेयर हैं, तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हल हुई 20/120। अब आपके पास इवेंट बी है, बी में क्या है, फीमेल विद ब्राउन हेयर, फीमेल हो और उसके ब्राउन हेयर हो, वो आपके पास है 30। तो 30/120। तो अब आप देखें यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट पॉसिबल। सो यू कैन से दैट कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू यहाँ पर माइनस होती थी वो 0 है, तो इसलिए हमारे लिए ये फ्रूटफुल नहीं है, हमारा जो फार्मूला है वो मजीद कंप्रेस हो जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देन यू कैन फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब क्या हुआ, ऐसे बच्चे, ऐसे मेल जिनके ब्राउन हेयर हो और ऐसी फीमेल जिनके ब्राउन हेयर हो, उनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है, 50/120। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों ना कि यहाँ पर इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कर रहा। और जो पिछली एग्जाम्पल थी, इस वाली एग्जाम्पल में इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा था, ये वाला इंटरसेक्शन था, सही। तो यहाँ पर वो था नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और इस एग्जाम्पल में बोथ ए बी आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अच्छा चलें, अब एक और एग्जाम्पल हल करते हैं। इस सूरत हाल में भी जो दो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब आप देखें डाइस एड टू 3, यानी कि दो डाइस के सम 3 बने, सही है। इन पे जो अपियर हो रहा है इनको जमा करें तो सम 3 बने। बी क्या है, डाइस एड टू 6, दो डाइस पे जो हमें शो हो रहा है उनको जमा करें तो सम 6 बने। तो अब आपके पास है कि क्यों ना कि ये इनमें इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, या तो सम 3 बनेगा या सम 6 बनेगा, क्यों ना कि ये नहीं हो सकता कि सम 3 भी बने सम 6 भी बने। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 सेट। तो देन यू कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है, 2/36 के, क्यों ना कि ऐसे दो ही सैंपल पॉइंट्स हैं जहां पर सम 3 बन रहा है और डाइस एड टू 6। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जहां पर सम 6 बन रहा है, सम 6 वाले ये वाला पॉइंट है, सही। एक ये पॉइंट है, यहाँ पर 6 बन रहा है, इस पॉइंट पे 6 बन रहा है, इधर 6 बन रहा है, इधर 6 बन रहा है। तो ऐसे 5 सैंपल पॉइंट्स हैं जहां पर सम 6 बन रहा है। तो 2/36 + 5/36, आवर आंसर इज 7/36। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 सेट है, इसलिए आपका जो बोथ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा,
अब कंप्लीमेंट की आपको थोड़ा सा बता दें कि कंप्लीमेंट में आपके पास मैंने बताया था कि अगर आपको टोटल एरिया, हमें पता है कि टोटल एरिया की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है, इसमें से ये वाले एरिया की भी प्रोबेबिलिटी पता है, तो हम रिमेनिंग एरिया की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? तो रिमेनिंग एरिया की प्रोबेबिलिटी निकालने में के लिए टोटल में से उस एरिया की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं। सही। तो अब आपको तो एक और चीज पता होनी चाहिए, ए और कंप्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। सही, क्यों ना? कि अब जो नंबर्स या जो बंदा इस एरिया में मौजूद है वो ग्रीन एरिया में तो मौजूद नहीं है ना, तो इसलिए वो इन दोनों के इंटरसेक्शन जो है वो 5 हेड के बराबर होता है, इसलिए ये इनकी प्रोबेबिलिटी भी 5 हेड के ही बराबर आती है। और अब आपको पता है कि यूनियन, अगर इसका यूनियन और इसका यूनियन ले लिया जाए तो ये पूरी सैंपल स्पेस बना देते हैं। सही, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, और हमें पता है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 1 के। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर ये वाले एरिया की प्रोबेबिलिटी जमा इस एरिया की प्रोबेबिलिटी, दैट इज इक्वल टू द टोटल एरिया अंडर द सैंपल स्पेस, दैट इज इक्वल टू 1। सही। और अगर इसे मजीद हल करना हो, इसे हल करने का ये भी हल है कि यूनियन है यूनियन, क्यों ना कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसमें ये इवेंट ए प्लस इवेंट बी। सही, इवेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पर जब हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पुट करेंगे तो ये माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये प्लस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये जो प्रूफ है ये वाला हमें यहाँ से भी मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग काफी डेवलप हो रही होगी, तो इनशाला ये आपको ज्यादा आसान है। और ये क्वेश्चन एक देख लें, आपके कंप्लीमेंट की बात समझ आ जाएगी। एक क्लासरूम है, क्लासरूम वही पिछली एग्जाम्पल डिस्कस हो रही है कि उसमें 20 मेल हैं, 30 फीमेल हैं, और टोटल 60 मेल हैं और 60 ही फीमेल हैं। अगर आपको मेल का ही प्रोबेबिलिटी पता हो तो आप फीमेल की प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल सकते हैं। अब वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है? 60 के प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताएं। यानी कि बेसिकली ये क्या चीज़ है? कंप्लीमेंट ऑफ ए है। तो यानी कि वो बंदे जो मेल नहीं है बट वो फीमेल है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने के लिए क्या जरूरत है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल अगर हम निकाल कर लें, मैं टोटल में से मेल की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें तो हमें फीमेल की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है 1 माइनस 60 बटा 20। क्यों ना कि टोटल मेल हमारे पास 60 है, टोटल स्टूडेंट हमारे पास 120 है, तो ये 60 बटा 120। तो ए एंड बी आर द कंप्लीमेंट, या तो बच्चा मेल होगा या बच्चा फीमेल होगा। तो इनशाला ये आपको समझ आ जाएगा। ये वीडियो आप क्लियरली देख लें तो प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, या हमारे जो ग्रुप है उधर भी मेंशन कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।